शादी का सीजन चल रहा है, हर रोज हजारों शादियां हो रही हैं। इसी बीच बिहार सरकार ने कोविड काल में शादी को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इसलिए अगर आपके घर में या किसी यार दोस्त की शादी हो रही है तो ये खबर आपके लिए है। बिहार में 22 नवंबर को खत्म हो रहे अनलॉक 8 से पूर्व आपदा प्रबंधन समूह की बैठक के बाद नीतीश कुमार सरकार ने कोविड 19 की रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन में राहत देते हुए अनलॉक 9 का नया गाइडलाइन जारी किया है, जो कि 23 से 30 नवंबर तक प्रभावी होगा। अनलॉक 9 के तहत कुछ कड़ाई दिखाते हुए विवाह समारोह के दौरान बारात में नाच गाने और डीजे की अनुमति नहीं दी गई है। सरकार के इस फैसले से उन लोगों को निराशा होगी जो डीजे की धुन पर शादी समारोह में जमकर नाचते गाते हैं। यही नहीं, शादी समारोह में ज्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रखना है। इसके साथ ही शादी की तारीख से 3 दिन पहले स्थानीय थाने को सूचना देनी होगी ताकि पुलिस ऐसे शादी समारोह पर नजर रख सके। बिहार सरकार ने शादी समारोह के अलावा वैसे कार्यक्रमों को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए हैं जिसमें लोगों की ज्यादा से ज्यादा भीड़ होती है। श्राद्ध कर्म को लेकर भी बिहार सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसके मुताबिक इसमें भी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। जिन राज्यों में संक्रमण अधिक है वहाँ से आने वाले लोगों को अपना कोरोना जाँच अनिवार्य करवाना होगा। अब आप जानिए अनलॉक 9 को लेकर बिहार में जारी किए गए गाइडलाइन। कोरोना से बचाव के उपायों के साथ दुकानें और प्रतिष्ठान सामान्य रूप से खुलेंगे। दुकानों में सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा, काउंटर पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का पालन करना होगा। टीका ले चुके व्यक्तियों को ही काम पर रखा जा सकता है। सभी तरह के स्कूल और कॉलेज सामान्य रूप से खोले जा सकेंगे। कोचिंग संस्थान भी सामान्य रूप से खोले जा सकते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र और प्री स्कूल भी खोले जा सकेंगे। सभी तरह की परीक्षाएं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जा सकेंगी। किसी भी तरह के सांस्कृतिक, शैक्षणिक या धार्मिक आयोजन जिला प्रशासन की पूर्व अनुमति से ही आयोजित किए जाएंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट आदि 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। वैसे राज्य जहां कोरोना के मामले ज्यादा हैं, वहां से बिहार आने वालों की कोरोना जांच अनिवार्य। राज्य की सीमाओं, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे पर रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। वैसे लोग जांच से मुक्त होंगे जिनके पास 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट होगी। तो अगर आपके या आपके किसी नजदीकी के घर में शादी है तो उस तक ये खबर जरूर पहुँचाए। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।